आज वालों नहीं खुंजूगा कि पैसा नहीं सी इलाज नहीं होया। ये गोड़े तरह जोड़ा तरह था। मैं शुगर मेरे को थी डायबिटीज है। मैं यहाँ पर मेडिसिन लेती हूँ इसकी और अपनी। मैंने खांसी जुकाम बहुत ज्यादा ही। मैं कहने रब मौत भी नहीं दिंदा पता। ते बड़ी जल्दी पूरे पंजाब दे विच किते ना किते निगाह मारोगे तो अनुम आम आदमी क्लीनिक जिहड़ा नजर आऊगा। साल 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी थी तो सबसे बड़े दावों में से सबसे बड़े वायदों में से एक वादा ये था कि वो वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर देंगे। लेकिन क्या पंजाब में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं? क्या है पंजाब की ग्राउंड रियलिटी? और हम आपको दिखाते हैं कि आखिर जमीनी हकीकत पंजाब में क्या है। सरकार मतलब बनी है जी तो बहुत फायदा दे रही है जी लोगों को, बहुत फायदा है। जगह जगह जैसे ये आम आदमी के क्लिनिक बने हैं वहाँ वहाँ बहुत सहूलत मिली है। ये तो ग्रेटेस्ट है। मेनू बहुत बढ़िया लगा जी, किसी को लगे ना लगे। मान साहब ने बहुत ही बढ़िया गल की है, जो आम पार्टी ने जो क्लिनिक खोले ने बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया किया है भगवंत मान ने। मैं तो कहती रही दुनिया तक रहन इस तरह ही आम आदमी रहे। काम सब वधिया कर रहे हैं जी, बिल भी माफ करते हैं और भी बहुत सहूलत दे रहे हैं। गॉड ब्लेस आप पार्टी जिन्होंने ये क्लिनिक खोला है। तो हम मोहाली के आम आदमी क्लिनिक में पहुंच गए हैं। एक काम करते हैं, मेरे पैर में ना इसमें दर्द भी है और स्वेलिंग भी है, तो डॉक्टर से दिखा भी लेते हैं, डॉक्टर से बतिया भी लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। चलिए अंदर चलते हैं। तो 76 नंबर मेरा टोकन है, अभी 74 चल रहा है, दो लोगों के बाद मेरा नंबर आने वाला है, फिर देखते हैं अंदर क्या है, कैसी इलाज व्यवस्था है, डॉक्टर कैसी है। पैर में दर्द है, ये स्वेलिंग है, यहाँ पे थोड़ा दर्द है, छूने पे दर्द है, यहाँ पे एकदम जस्ट यहाँ पे। ठीक है। एक बार तो पेन किलर और स्वेलिंग को कम करने के लिए मैं दवाई दे रही हूँ। अच्छा, फिर अगर पेन परसिस्ट करेगा तो एक एक्सरे करवा लेंगे। तो ये मेडिसिन हमें यहीं मिल जाएगी? हाँ हाँ। तो मोहल्ला क्लिनिक या आम आदमी क्लिनिक, यहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए क्या मतलब क्वालिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली इन्होंने MBBS डॉक्टर से रिक्रूट किए हैं, मैं MD हूँ, MBBS MD हूँ मैं। अच्छा, जैसे क्या होता है ना कि व्यवस्थाएं तो ठीक है। हाँ, लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होता। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि हमारे क्लिनिक में क्या कमी है, उसको हम आगे ठीक कर देंगे ऐसा कुछ? मुझे अभी तक तो मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि हमें मेडिसिन भी बहुत ही टाइम टू टाइम सप्लाई आ रही है। हाँ। कोई शॉर्टेज हमने अभी तक नहीं फेस की है। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया है। पेशेंट्स के लिए प्रॉपर वेटिंग एरिया है, बाकी सीनियर सिटीजन्स को हम प्रायोरिटी बेसिस पे जल्दी अंदर बुला लेते हैं। ठीक है। ताकि सीनियर सिटीजन्स को वेट ना करनी पड़ेगा। भगवंत मान ने अच्छा किया सारा, एक तो कई जॉब मिल गई है, रोजी मिल गई, दूसरा मतलब साढ़े वर्गे दवाई फ्री लैन आने। सैटिस्फाइड, समथिंग न्यू ऑल टुगेदर, अदरवाइज तो हॉस्पिटलों में तो कोई सुनाई नहीं है। ये एक अच्छा स्टेप है, ऐसी बात तो नहीं है, इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड, इट इज गुड जेस्चर, दे आर ट्राइंग टू विन द हार्ट ऑफ द पीपल, नो डाउट। नहीं, बहुत अच्छा लगा, ये जैसे डॉक्टर करते हैं वैसे नहीं है, मतलब अच्छे से बात करते हैं और पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है सब कुछ। इसे कोल्ड था काफ़ी, खांसी भी थी, तो मैंने जहाँ पर मेडिसिन ली, एक दिन इन्फेक्शन की भी उन्होंने दी, बहुत ज़्यादा मुझे महसूस होता है। ये कुछ दवाइयाँ लिखी हैं मैडम ने, देखिए जरा, इसके लिए कुछ पैसे भी लगेंगे क्या? नहीं सर, फ्री मिलती है दवाई। कितने मरीज आ जाते हैं रोज, कितनी दवाइयाँ देते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लस हो ही जाते हैं। तो ये मेडिसिन जो है हमें फ्री में मिला है। ये
यहाँ जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मतलब है, कोऑपरेशन है, एंड इट इज़ बेनिफिशियल टू ऑल, नॉट वन पर्सन, एनीवन कैन कम एंड गो। अच्छा है, साफ सुथरा है, मैं ऐसा फील ही नहीं होता अभी गवर्नमेंट का है, वैसे प्राइवेट ही लग रहा है। ये बहुत एक अच्छी शुरुआत है, जितने भी लोगों से मैंने बात किया वो सभी खुश है और वो सभी अप्रिशिएट करते हैं। तो ये मोहाली की तस्वीर है, मोहाली का माहौल टाइट है, व्यवस्थाएं चकाचक है, सब कुछ बढ़िया है। एक काम करते हैं ना, पंजाब के अन्य इलाकों में भी जाते हैं, वो ग्रामीण इलाके भी होंगे, और वहां देखते हैं कि वहां की तस्वीर कैसी है, असलियत क्या है, चलिए पता करते हैं। क्या है ना कि गांव में बड़े मीडिया हाउसेस के कैमरा और माइक नहीं पहुंच पाते हैं, शहरों की तस्वीर दिखाकर निकल जाते हैं, लेकिन गांव की तस्वीर दिखानी भी काफी जरूरी है, और वो भी बिना फिल्टर वाली तस्वीर। तो गांव में स्वास्थ्य सुविधा का क्या हाल है, यहां पर आम आदमी क्लिनिक में कैसे काम हो रहा है, क्या सुविधाएं मिल रही है, चलिए जानते हैं। टेस्ट सभी हो जाते हैं, अभी हमारे पास CBC, LFT, RFT और लिपिड प्रोफाइल और शुगर, देन हमारे पास और भी कई टेस्ट आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने चालू नहीं किए, वो शुरू नहीं किए हैं, जैसे यूरिन कंप्लीट हो गया, ये सब टेस्ट अभी हमारे को ऊपर से हदायत नहीं आई है। I would like to thanks man government and personally to Bhagwant Maan ji, because of ये बहुत बड़ा chapter था, बहुत बड़ा issue था, और इसके ऊपर में बहुत सुंदर काम हुआ है। आ तो ही पिंडा में रेंदे नहीं, मैं पिंडा में रहना, कई गरीब लोग को पैसा लाजली नहीं हूँ, क्यों मैं यही बड़ी है, जे तो यह गवर्नमेंट काम कर दी है ना, वो बहुत शलाघा योग है, बहुत अच्छा काम है। प्रदेश में रोज़गार की स्थिति का भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आम आदमी क्लिनिक, जैसे बहुत से यंग ब्लड डॉक्टर्स जो जिनको जॉब के लिए प्रॉब्लम थी, आम आदमी क्लिनिक में तकरीबन 200 के अराउंड रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे फार्मेसी, फार्मासिस्ट की, क्लिनिकल असिस्टेंट की और क्लास 4 की भी रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ने की है। अराउंड आम आदमी क्लिनिक का ही अगर स्टाफ लगा के चलें तो अराउंड 2000 वैकेंसीज इस गवर्नमेंट ने रिक्रूट की हैं, तो ये एक अच्छी बात है। भगवान जबान नूं असीं इहो कहना चाहुंदे आ भई जी लंबी लंबी उम्र करे ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। हम लोगों की उम्मीदों को टूटते देखते हैं, लोगों को झूठी तसल्ली मिलते देखते हैं, लेकिन आज जो हमने पंजाब में देखा वो कुछ अलग था। पंजाब के लोगों की भीगी आंखों के अंदर एक रोशनी चमक रही थी कि बदलाव होगा, और बदलाव पंजाब में जारी है, और आप लोकतंत्र में सबसे पहले होंगे, यही तो आखिर असली लोकतंत्र भी। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝੂਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੋਡੇ ਦਰਦ, ਜੋੜਾ ਦਰਦ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਥੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੇਤੀ ਹੂੰ, ਇਸ ਕੀ ਔਰ ਆਪਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। साल 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी थी तो सबसे बड़े दावों में से, सबसे बड़े वायदों में से एक वादा ये था कि वो वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर देंगे, लेकिन क्या पंजाब में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं? क्या है पंजाब की ग्राउंड रियलिटी? और हम आपको दिखाते हैं कि आखिर जमीनी हकीकत पंजाब में क्या है।
ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਸ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਵਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਰਹੇ ਕੰਮ ਸਭ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ तो हम मोहाली के आम आदमी क्लिनिक में पहुंच गए हैं एक काम करते हैं मेरे पैर में ना इसमें दर्द भी है और स्वेलिंग भी है तो डॉक्टर से दिखा भी लेते हैं डॉक्टर से बतिया भी लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है चलिए अंदर चलते हैं तो 76 नंबर मेरा टोकन है अभी 74 चल रहा है दो लोगों के बाद मेरा नंबर आने वाला है फिर देखते हैं अंदर क्या है कैसे इलाज व्यवस्था है डॉक्टर कैसी है पैर में दर्द है ये स्वेलिंग है यहाँ पे थोड़ा दर्द है छूने पे दर्द यहाँ पे एकदम जस्ट यहाँ ठीक एक बार तो पेन किलर और स्वेलिंग को कम करने के लिए मैं दवाई दे रही हूँ अच्छा फिर अगर पेन परसिस्ट करेगा तो एक एक्सरे करवा लेंगे तो ये मेडिसिन हमें यहीं मिल जाएगी हाँ। तो मोहल्ला क्लिनिक या आम आदमी क्लिनिक यहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए क्या मतलब क्वालिफिकेशन क्या होता है बेसिकली इन्होंने MBBS डॉक्टर रिक्रूट किए हैं मैं MD हूँ MBBS MD हूँ मैं अच्छा जैसे क्या होता है ना कि व्यवस्थाएं तो ठीक है हाँ जी। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होता हाँ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है हाँ तो आपको क्या लगता है कि हमारे क्लिनिक में क्या कमी है उसको हम आगे ठीक कर देंगे मुझे अभी तक तो मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि हमें मेडिसिन्स भी बहुत ही टाइम टू टाइम सप्लाई आ रही है हाँ। कोई शॉर्टेज हमने अभी तक नहीं फेस की है हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया है पेशेंट्स के लिए प्रॉपर वेटिंग एरिया है बाकी सीनियर सिटीजन्स को हम प्रायोरिटी बेसिस पर जल्दी अंदर बुला लेते हैं ठीक है ताकि सीनियर सिटीजन्स को वेट ना करनी पड़ेगा भगवंत मान ने अच्छा किया सारा एक तो कई जॉब मिल गई है रोजी मिल गई दूसरा मतलब साढ़े वर्गे दवाई फ्री लैन आने सैटिस्फाइड समथिंग न्यू ऑल टूगैदर अदरवाइज तो हॉस्पिटलों में तो कोई सुनाई नहीं है ये एक अच्छा स्टेप है ऐसी बात तो नहीं है इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड इट इज गुड जेस्चर दे आर ट्राइंग टू विन द हार्ट ऑफ द पीपल नो डाउट नहीं बहुत अच्छा लगा ये जैसे डॉक्टर करते हैं वैसे नहीं है मतलब अच्छे से बात करते हैं और पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है सब कुछ इसे कोल्ड था काफ़ी खांसी भी थी तो मैंने जहाँ पर मेडिसिन ली एक दिन इन्फेक्शन की भी उन्होंने दी बहुत ज़्यादा मुझे महसूस होता ये कुछ दवाइयाँ लिखी हैं इसके लिए कुछ पैसे भी लगेंगे क्या नहीं सर फ्री मिलती है दवाई कितने मरीज आ जाते हैं रोज कितनी दवाइयाँ देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लस हो ही जाते हैं तो ये मेडिसिन जो है हमें फ्री में मिला है यहाँ जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है बहुत ज़्यादा मतलब है कोऑपरेशन है एंड इट इज़ बेनिफिशियल टू ऑल नॉट वन पर्सन एनी वन कैन कम एंड गो अच्छा साफ सुथरा मैं ऐसा फील ही नहीं होता अभी गवर्नमेंट का वैसे प्राइवेट ही लग रहा है ये बहुत एक अच्छी शुरुआत है जितने भी लोगों से मैंने बात किया वो सभी खुश है और वो सभी अप्रिशिएट करते हैं तो ये मोहाली की तस्वीर है मोहाली का माहौल टाइट है व्यवस्थाएं चकाचक है सब कुछ बढ़िया है एक काम करते हैं ना पंजाब के अन्य इलाकों में भी जाते हैं वो ग्रामीण इलाके भी होंगे और वहां देखते हैं कि वहां की तस्वीर कैसी है असलियत क्या है चलिए पता करते हैं
क्या है ना कि गांव में बड़े मीडिया हाउसेज के कैमरा और माइक नहीं पहुंच पाते हैं, शहरों की तस्वीर दिखाकर निकल जाते हैं, लेकिन गांव की तस्वीर दिखानी भी काफी जरूरी है, और वो भी बिना फिल्टर वाली तस्वीर। तो गांव में स्वास्थ्य सुविधा का क्या हाल है, यहां पर आम आदमी क्लिनिक में कैसे काम हो रहा है, क्या सुविधाएं मिल रही है, चलिए जानते हैं। टेस्ट सभी हो जाते हैं। अभी हमारे पास CBC, LFT, RFT और लिपिड प्रोफाइल और शुगर, देन हमारे पास और भी कई टेस्ट आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने चालू नहीं किए, वो शुरू नहीं किए हैं। जैसे यूरिन कंप्लीट हो गया, ये सब टेस्ट अभी हमारे को ऊपर से हदायत नहीं आई है। I would like to thanks man government and personally to Bhagwant Maan ji, because of ये बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत बड़ा इशू था, और इसके ऊपर में बहुत सुंदर काम हुआ है। आ तुम पिंडा में रेंदे नहीं, मैं पिंडा में रहना, कई गरीब लोग को पैसा लाजली नहीं हूँ, क्यों महंगाई बड़ी आ, तो जे तो यहोजा गौरमेंट काम कर दी है ना, वो बहुत शलाघा हो गया, बहुत अच्छा काम है। प्रदेश में रोजगार की स्थिति का भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आम आदमी क्लिनिक। जैसे बहुत से यंग ब्लड डॉक्टर्स जो जिनको जॉब के लिए प्रॉब्लम थी, आम आदमी क्लिनिक में तकरीबन 200 के अराउंड रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे फार्मेसी, फार्मासिस्ट की, क्लिनिकल असिस्टेंट की और क्लास 4 की भी रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट